नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन की 86 पे। देखिए जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे ही सब्सक्राइब करोगे एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि वैकेंसी निकली हुई थी ERDO के थ्रू। अब ERDO मैं आपको एक वीडियो दिखलाऊंगा जो कि मैंने अपने चैनल पर डाला था और उस वीडियो के लिए मैं आप सभी से बहुत ही क्षमाकृत हूँ। मैं उस वीडियो को आप सभी को दिखलाना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा। आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे इसे अपलोड किया था। ये देखिए, बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और बेसिक ट्यूशन, दोस्तों बिहार में कोई बाहर नहीं है क्योंकि बिहार के साथ हो रहा है खिलवाड़। क्यों? कारण है इसका कि ये जो ERDO ये जो वेबसाइट है, ये ऐसी एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखलाना चाहूँगा इस वेबसाइट को। आप देखिए, ये देखिए, ये है वो वेबसाइट जिसका नाम है ERDO यानी कि एजुकेशन रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर वैकेंसी के बारे में बताया था। देखो ये वीडियो आज भी, ये वेबसाइट आज भी चल रहा है क्योंकि ये गो डैडी करके एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट बनाते हैं उससे बनी हुई ये एक वेबसाइट है जिसके जरिए बहुत सारे फ्रॉड यानी कि जो फ्रॉड लोग हैं वो इन सब चीज़ों पर जाकर पैसा कमा रहे हैं। आप सभी भी सावधान रहें क्योंकि यहाँ से फॉर्म बिल्कुल मत भरिए। अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो उसके वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, कमेंट में भी लिंक दूंगा कि इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वो वेबसाइट का लिंक था जहाँ से मैंने आवेदन करने के लिए आप सभी को बोला भी था कि यहाँ से जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही इसके आवेदन वाले पोर्टल पर जाते हैं हम लोग पेज पर, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई थी। उस वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा और फिर मुझे शक हुआ कि यार ये वैकेंसी कहीं फ्रॉड तो फेक तो नहीं है, तो इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी लेनी शुरू की क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ रहे थे कि सर ये फेक है, यहाँ से कुछ कोई वैकेंसी नहीं है, अगर ऐसी वैकेंसी होती भी है तो बिहार गवर्नमेंट देती है। तो मुझे लगा कि ये बिहार गवर्नमेंट के थ्रू निकला हुआ वैकेंसी है, तो मैंने पूरी जाँच की इस वेबसाइट की, तो पता चला कि ये GoDaddy के थ्रू बना हुआ एक वेबसाइट है। तो मैं यहाँ के तथ्यों पे पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा भी किया बहुत लोगों से। यहाँ पे देखिए, ये कॉन्टैक्ट अस का जो टैब है इस पे गया मैं और इस पे दिए हुए कुछ वैकेंसी के मतलब जो यहाँ पे नंबर्स हैं इस एड्रेस पे, मैं इस एड्रेस पे भी जाने की कोशिश की, वहाँ पे गया भी पर वहाँ पे कोई मुझे मिला नहीं, ठीक है। दिल्ली गया था मैं इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें कुछ मुझे क्लियर नहीं हुई। मुझे फिर शक हुआ कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं डाल दिया। फिर मैंने उस वीडियो को सोचा कि डिलीट कर दूं, पर मैंने सोचा कि डिलीट करने से अच्छा है कि मैं आप सभी को उस वीडियो के जरिए एक सावधान होने का चेतना प्रदान करूं कि बहुत सारे चैनल वाले ने ऐसे वीडियो बना के डाले हुए हैं पर इनमें किसी चैनल वालों की गलती नहीं है क्योंकि उनको तो जो दिख रहा है वो सामने लाकर आपको दे रहे हैं, ठीक है। गलती आपकी तब होगी जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो बिना जाने किसी नोटिफिकेशन को पढ़े हुए, ठीक है। तो मैंने इसके इस नंबर पे भी कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। हो सकता है कि इनका ऑफिस चेंज हो गया हो या फिर कुछ भी, पर कोई रिस्पांस नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठाया गया। इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें की लोगों से कि सर क्या है ये, तो पता चला कि ये एक फेक वेबसाइट है जिसके जरिए लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ से कोई फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, आप सभी को यही बताना चाह रहा था मैं पूरे वीडियो में, और आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। और इस फॉर्म को बिल्कुल मत भरिएगा आप सभी, ओके दोस्तों। चलिए इसकी एक तथ्य और दिखलाता हूँ मैं आपको पहले। फिर मैं गया इसके एक जो इसका जो वैकेंसी था यहाँ पर तीनों शिफ्ट की, ये BTC, BTT, BEC और DEC, इस पर लिंक पर क्लिक किया मैंने। अभी तक मैंने इस लिंक पर क्लिक नहीं किया था एक्चुअली, मुझे बाद में पता चला कि ये लिंक है एक्चुअली, तो इस पर क्लिक किया और ये देखिए, ये यहाँ पर जितने भी वैकेंसी है तीनों वैकेंसी के बारे में चर्चाएं की गई हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो ये तो बिहार के सारे सिटी के और गांव के नाम दिए हुए हैं और कुछ इसमें देखो जैसे कि तिरुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर, मुंगेर,
पर यहाँ पे भी मैं अपने दोस्तों को बोला कि यार जाकर थोड़ा सा वहाँ पे ईआरडीओ ऑफिस अगर है कोई तो पता करो, बताओ मुझे, मैं वहाँ पे आऊँगा, उन सबसे चर्चा करूँगा इस टॉपिक पे, इस वेबसाइट के बारे में। तो वहाँ से भी कुछ मुझे जानकारी हाथ नहीं लगी, ठीक है। तो मैंने फिर सोचा कि जब ये लिंक खोला तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन था इन सभी का, उसको मैं पढ़ने लगा। एक एक करके सारे नोटिफिकेशन में पढ़ता गया। अब देखो मैं आपको उन सारी चीज़ों को दिखलाऊंगा यहाँ पे। ये देखिए, ये डीईसी के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, कि शैक्षणिक योग्यता ये होनी चाहिए, आयु ये होनी चाहिए। फिर मेरा जो ध्यान था, देखो यहाँ पे इनफैक्ट जो प्रतिमा वेतन भी 26,000 दिया गया है, ताकि लोग मतलब ज़्यादा ही वो हो जाएँ कि मतलब हमें भरना पड़ेगा इस फॉर्म को, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। फिर मेरा जब पोस्ट नंबर 6 पे ध्यान गया, यहाँ पे मैंने एक चीज़ पढ़ी कि ईआरडीयू के तहत शिक्षा नियंत्रक का कार्यालय 11 माह का होगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा शक हुआ कि 11 माह का अगर कुछ भी निकलता है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से भी है तो 12 माह होना चाहिए, ना कि 11 माह, एवं किसी भी शैक्षिक सत्र 31 मई को स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी सत्र यार 31 मई को समाप्त कैसे होगा? जिला शिक्षक नियंत्रक का 31 मई तक मानदेय होगा। अगर ये नियंत्रक 31 मई तक का निकाला गया है तो इसके फॉर्म अक्टूबर में क्यों आए हैं? इन सब चीज़ों को मैं देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगा कि यार ये ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं इसके माध्यम से। फिर जिला, ये आगे ही मैंने सब कुछ पढ़ा कि जिला शिक्षक नियंत्रक के नवीनीकरण कार्यवाही प्रत्येक वर्ष समाप्त होने के कम एक माह पूर्व प्रारंभ हो जाएगी। अध्यक्ष की अनुमति के अगले शैक्षिक सत्र में लिए नवीनीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लगा कि मैं थोड़ा सा कुछ शक हुआ, पढ़ता गया मैं इन सब चीज़ों को। देखो इसको आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेट करके पढ़ोगे तो पूरा का पूरा ये चीज़ आपको लगेगा कि बकवास बातें की गई हैं और कुछ नहीं इसमें है। और ये यहाँ पर देखो, ये सब कुछ मतलब जो ऐसा प्रतीत किया गया है कि ये एक सरकारी वेबसाइट है और आपको सरकारी नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, पर ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सारी चीज़ें बकवास हैं, कोई इस चीज़ को फॉर्म को ना भरें, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस फॉर्म को ना भरें। ये फ्रॉड है, ये वेबसाइट बहुत ही गलत है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा, फिर मैं आया एक इसके पोस्ट पे, जो कि मैं सोचा कि इसके अबाउट में देखूं कि ये लोग हैं कौन। देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा हिंदी में आप लोगों को समझाने के लिए, इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज हिंदी कीजिएगा, हिंदी, ठीक है। तो इनका जो वेबसाइट है पूरा देखो वेल मेंटेन्ड है, यहाँ से सब कुछ सही सही दिखेगा। हमारे बारे में क्लिक कीजिएगा, परिचय पेज गया मैं यहाँ पे, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इनको दिखलाता चाहूँगा आपको पढ़ के कि देखिए ईआरडीओ के शैक्षिक योजना, यहाँ से पढ़िएगा, ईआरडीओ के शैक्षिक योजना के प्रमुख विशेषता कि एक भी बच्चे की ट्यूशन फीस की कीमत पर 3 बच्चों का शिक्षा प्रदान किया जा रहा करना है। इस योजना के माध्यम से ट्यूशन फीस प्रति बच्चा आरोप लगाया एक ही परिवार से 2 बच्चे को अधिक बढ़ाई है। यही कारण है कि परिवार के सिर्फ एक ही लिए भुगतान करने के लिए परिवार में बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो इनका हिंदी ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा गलत है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बच्चे की ट्यूशन अगर आप पढ़ाते हो तो एक बच्चा क्या आपके ऊपर जो ट्यूशन फीस होगा फ्री होगा। तो देखो ऐसा कौन करता है यार, ठीक है। भारत सरकार ने तो ऐसा कुछ नियम या योजना है नहीं, ना ही बिहार सरकार में। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्जी किया है पूरे गेम में, इस पूरे सिनारियों में, और लोगों से पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें और इन सब चीज़ों से दूर रहें और इस फॉर्म को बिल्कुल ना भरें, क्योंकि ऐसे किसी भी वैकेंसी को, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि किसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, वेबसाइट समझिए कि सही है या गलत है, तब जाके उस फॉर्म को भरा कीजिए आप सभी, ठीक है। और ये बिल्कुल गलत चीज़ें दिखाई करी जा रही है यहाँ पे आपको। और यहाँ से आवेदन करने के लिए जब आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने किया जाता है तो आप इसके जब आवेदन वाले क्लिक पे आते हैं तो वहाँ से सबसे पहले क्या बोलता है कि फीस जमा करने के लिए, ठीक है, पहला ही चरण है कि फीस जमा करने के लिए। तो मुझे लगा कि यार ये तो पहले ही फीस मांग रहा है, तो यार पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है फिर उसके बाद फीस होते हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पे गलत मुझे लगा। तो मुझे लगा कि आप तक ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए।
तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है और इसमें एक ही रिक्वेस्ट किया है आप सभी से कि आप erdo.in जो है फॉर्म, इसको ना भरें। ये बहुत ही बेकार फॉर्म है, फर्जी है, वाड़ा है, और इस फर्जी वाड़े से आप लोग प्लीज़ बचें। ठीक है दोस्तों, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक छोटा सा मोटिव यही था कि आप लोगों को उस वीडियो, देखिए वो वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, वहाँ पे भी मैं इसका लिंक दे दूँगा। जितने भी कैंडिडेट हैं उस लिंक के जरिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा एटलीस्ट अपने दोस्तों तक कि इस फॉर्म को ना भरें। ठीक है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फॉर्म को बिल्कुल ना भरें, और हाँ दोस्तों तक इसको अवेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, इस चीज़ को बताना मेरा फ़र्ज़ था, तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी अवेयर हो सके इन सब चीज़ों से। तो बिल्कुल ही ये फॉर्म जो है फर्जी था, जिसके लिए आप लोग 13,000 यहाँ वैकेंसी की बात की गई थी, ये बिल्कुल गलत है, और प्लीज़ सावधान हो जाए और दूसरों को अवेयर करें। ये हमसे विनती है हमारी आप सभी से, इस फर्जी वाड़े से बचें, क्योंकि erdo.in करके कोई वेबसाइट नहीं है सरकारी, ये और सिर्फ एक फर्जी वेबसाइट है जो कि गो डैडी के से बनाया गया एक ये वेबसाइट है, किसी के थ्रू बनवाया गया होगा और उसके ज़रिए पैसे लिए जा रहे हैं आप सभी से। तो दोस्तों कृपया ना भरें इस फॉर्म को, ये बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में, और इस वीडियो का लिंक मैं सब जगह शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग सभी भी इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ओके दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सावधान रहें।